नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। 3 दिन पहले चोपटा तहसील के 25 कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए थे और उनकी रिपोर्ट कल आई है और इस रिपोर्ट में एक यहां का जो कर्मचारी है वो पॉजिटिव पाया गया है, रजिस्ट्री क्लर्क कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद अब चोपटा तहसील का कार्य 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और बाकायदा इसके लिए आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि तहसील कार्यालय नाथूसरी चोपटा में कोरोना पॉजिटिव आने के कारण तहसील कार्यालय का काम 1/10/2020 से 4/10/2020 तक बंद रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सैनिटाइज़र का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है, पूरी तहसील परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। यह बता दें कि रजिस्ट्री क्लर्क के कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना कल दोपहर को मिल गई थी, लेकिन कल पूरे दिन लगभग 4 बजे तक तहसील परिसर में काम चला, उसके बाद में काम को बंद कर दिया गया और अब ऐसे में यहां पर 4 दिन के लिए जो है वो पूरा का पूरा काम वो बंद कर दिया गया है, तहसील परिसर को सील कर दिया गया है। लेकिन ये बता दें कि काम हालांकि एक ही दिन का प्रभावित रहेगा, वो भी आज का, क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी है और इसके अलावा शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है। ऐसे में 4 दिन यानी कि अब सोमवार को ही वर्किंग डे यहाँ का रहेगा। तो ये आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, एक यहाँ के चोपटा क्षेत्र के तहसील के अंतर्गत आने वाले जो गांव है वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक अहम जानकारी है कि आगामी 4 दिन तक यहाँ पर वर्किंग डे नहीं है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने घर से यहाँ किसी भी काम के लिए ना आए। तो यहाँ ये एक बड़ी खबर सिरसा जिला के चोपटा की है जहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसके बाद में इस तरह से अब यहाँ पर वर्किंग जो है वो बंद कर दी गई है। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से, जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।